बहुत लोग बोलते हैं मुझे कि वीडियो क्यों नहीं डालते सर रोज करके, तो एक्चुअली मैं अब हम लोग पढ़ाने वाले में से हैं, टीचिंग का काम करते हैं तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जब कोई ऐसा चीज़ें घटना होता है भारत में जिधर ध्यान लोगों का नहीं जाता, अब यूट्यूब में तो बहुत लोग बनाते हैं, चलता ही रहता है, आदमी अन्य माध्यम से देख लेता है, लेकिन जब मैं देखता हूँ समाचार में और जब किसी का ध्यान उस तरफ नहीं जाता तो मुझे लगता है कि एक वीडियो बनाना चाहिए। और यही चीज़ मुझे नज़र आई प्रियंका गांधी में। प्रियंका गांधी एक्चुअली में इसलिए ज़रूरी है लोगों के बीच इस बात को बताना क्योंकि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा था, क्योंकि 2014 से नरेंद्र मोदी के बराबर का कोई व्यक्ति दिख नहीं रहा था। तो इस बार चर्चा में थी कि 18वीं लोकसभा में जो है प्रधानमंत्री कैंडिडेट प्रियंका गांधी हो सकती है, और आप लोग देखेंगे अभी चुनाव के दौरान ताबड़तोड़ चुनाव रैली की है वो, अपने भाई का प्रचार प्रसार की, लेकिन सबको पता था कि आपका रायबरेली से या अमेठी से चुनाव लड़ेगी कौन, आपका प्रियंका गांधी। लेकिन जब पता चला कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही है और उसके जगह में आपका राहुल गांधी को रायबरेली से दे दिया गया, वायनाड से तो पहले से ही थे, और जब अमेठी खाली हो गया तो सबको पता था कि अमेठी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी, लेकिन वहाँ पता चला बाद में जब नामांकन हुआ तो इनके कोई कर्मचारी थे ऑफिस में जो 30-40 साल से काम कर रहे थे एकदम सीधे साधे, किशोरीलाल शर्मा करके कोई है, उसको टिकट दे दिए, तो एकदम भारत के लोग हैरान हो गए कि जब संसद चुनाव नहीं लड़ रही है प्रियंका गांधी तो प्रधानमंत्री कैंडिडेट कैसे हो सकती है। इस टाइप का चर्चा आया और सब शॉक्ड हो गए कि प्रियंका गांधी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही। इससे ये पता चला कि वो भाई के लिए चुनाव प्रचार कर रही है, हम भी लोग ध्यान नहीं दिए उतना। अब उसके बाद अचानक सत्ता परिवर्तन टाइप माहौल आया और 400 पार की जगह में गड़बड़ हो गई और अंत में किशोरीलाल शर्मा जो कि अमेठी से क्या हो गया चुनाव जीत गया। अब किशोरीलाल शर्मा भी चुनाव जीत गए, राहुल गांधी भी चुनाव जीत गया दोनों जगह से, अब उसमें से एक जगह को क्या करना है अपने को छोड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने अभी फैसला लिया कि वायनाड को हम छोड़ देंगे, तो जिस लोकसभा को छोड़ेगा वहाँ उपचुनाव होगा। तो अब उपचुनाव में साफ बात है कोई आम आदमी ही संसद के लिए फॉर्म भरेगा, लेकिन अब वहाँ से नामांकन किसका दाखिल होने वाला है, प्रियंका गांधी, तो ये बड़ा सोचने वाली बात है। और इधर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, सबका ध्यान यही जा रहा है कि अयोध्या में बीजेपी चुनाव हार गई, नरेंद्र मोदी काला पड़ गया है, पूरा बीजेपी का पूरा जितना हुआ था वो ख़त्म हो गया है, लेकिन मेरा ध्यान इधर गया कि प्रियंका गांधी को मैंने देखा कितना सीना तान के बड़े बड़े बात करती है और कितना घटिया विचार रखती है। इसको देख लीजिए कि 400 पार के डर में नरेंद्र मोदी के आंधी में खुद चुनाव नहीं लड़ी और अपने कर्मचारी को बलि का बकरा बनाने के लिए किशोरीलाल शर्मा को संसद चुनाव में उतार दिए। अब आज जीत गया तो किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, तो जब आप अमेठी से चुनाव नहीं लड़े प्रियंका जी तो अभी आपको वायनाड से फॉर्म भरने की क्या ज़रूरत है। मतलब ये साफ दिखाता है कि आप गलत तरीके से राजनीति कर रहे हैं। अगर यदि आप में चुनाव लड़ने का क्षमता होता, आप रियल में देश के हित में काम करते तो एक कर्मचारी को संसद टिकट ना दे के खुद चुनाव लड़ते, तब हम जानते कि 400 पार के आंधी में आप भी खड़े थे, आप तो खड़े ही नहीं हुए। आज कन्फर्म टिकट में जा रहे हैं आप, स्पष्ट है वायनाड से आपका चुनाव जीतना क्या है तय है, वहाँ से कांग्रेस हारती ही नहीं, तब आज आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि आपके अंदर में चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं है, आप अवसरवादी, आप माहौल को देखें तब जाके वायनाड से आप चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप में क्षमता होता तो आप अमेठी चुनाव लड़ते, हारते या जीतते, जैसे आपका राहुल गांधी पहले से खड़ा है, हारे या जीते, इसको बोलते हैं चैलेंज। तो आप तो बिल्कुल इंदिरा गांधी जैसे गंदा राजनीति कर रही है। तो इस वीडियो को बनाने का मेन कारण ये है कि मैं चाहता हूँ ये वीडियो वायनाड तक पहुँचे, और वहाँ के लोग जब भी अगर ये वीडियो पहुँच जाए तो वायनाड वालों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ, एक आदमी वोट मत देना प्रियंका गांधी को। ऐसे घटिया राजनीति करने वालों को हमको देश में नहीं चाहिए। और आज के युवा एकदम समझदार हो गए हैं, जो चालबाज वाला राजनीति करते हैं ना उनको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। इसका ये परिणाम है 18वीं लोकसभा का। तो ये प्रियंका गांधी का भी संसद भी बन जाएगी ना, तो ये साफ बात है। अब अंदाजा लगा लीजिए, बलि का बकरा चढ़ा दिया ये किशोरीलाल शर्मा को। आज तक अभी सुने अपने कर्मचारी को संसद का टिकट मिलता है? या ना जाने कितने साल से लोग लाइन में लगे रहते हैं तब संसद का टिकट मिलता है, अपना चुनाव लड़ने की जगह हम किशोरीलाल शर्मा जी को दे दिया और खुद चुनाव नहीं लड़ी। और आज जब उपचुनाव लड़ना है, जब पूरा भारत कांग्रेसिया हो रहा है, जब भारत नरेंद्र मोदी का अगेंस्ट हो गया, तब वो वायनाड से चुनाव लड़ रही है। तो ये भी इंदिरा गांधी जैसा सरकार चलाएगी अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो। मैं वायनाड वाले से रिक्वेस्ट करता हूँ, सबको वोट दे देना पर प्रियंका गांधी को वोट मत देना। ऐसे लोग जो गरीब लोगों के ऊपर चढ़ के शासन करते हैं, ऐसा आदमी हमको नहीं चाहिए। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, वायनाड वालों से सबको वोट दो पर इनको वोट मत देना।
जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।